हेलो फ्रेंड, विधि ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। विधि ज्ञान प्रशासनिक विधि के महत्वपूर्ण 300 एमसीक्यू क्वेश्चन तीन पार्ट में लेकर आए दोस्तों। पार्ट वन वीडियो में आपको 100 एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत आसानी से समझने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। वीडियो एक का सबसे पहला प्रश्न नंबर एक, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि एक उच्च न्यायालय अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा बन नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य। अगला सवाल नंबर दो, निम्न में कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिधि में नहीं आता है, तो इसका सही उत्तर होगा द एक भगवान की मूर्ति। अगला सवाल नंबर तीन, कौन राज्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा स CSIR। अगला सवाल नंबर चार, अग्रणीयन का नियम किस बाद में अधिकारित घोषित किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा अ देव दासन बनाम भारत संघ। अगला सवाल पांच नंबर, राज शब्द के अंतर्गत न्यायपालिका भी सम्मिलित की जा सकती, इस प्रकार का आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न अधिनियमित वाद में दिया गया, तो इसका सही उत्तर होगा अ ए आर अतुल्य बनाम आर एस नायक। अगला सवाल छह नंबर, आच्छादन का सिद्धांत संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा ब अनुच्छेद 13। अगला सवाल सात नंबर, संविधान के निर्वचन में प्रथम बार भविष्य लक्ष्मी विनिर्णय का सिद्धांत निम्न वाद में लागू किया गया, इसका सही उत्तर होगा ब गोलकनाथ बनाम पंजाब राज। अगला सवाल आठ नंबर, सूची वन को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए, तो आप इसको सही आंसर देख लीजिएगा, मैं इसको टिक कर देता हूँ सही, इसका सही उत्तर होगा, आप इसको ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा। अगला सवाल नौ नंबर, संविधान के अधीन ग्रहण का सिद्धांत निम्न में से किस में लागू होता है, तो इसका सही उत्तर होगा स सभी विधियों को, चाहे संविधान के पूर्व की हो या पश्चात की। अगला सवाल 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजन के लिए राज्य की परिभाषा में नहीं आता, तो इसका सही उत्तर होगा द राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। अगला सवाल 11 नंबर, अनुच्छेद 13(3)(a) के अंतर्गत विधि में समाविष्ट है, तो इसका सही उत्तर होगा स कोई अध्यादेश आदेश उपविधि नियम विनियम अधिसूचना रूढ़ी या प्रथा। अगला सवाल 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान का संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि है, तो इसका सही उत्तर होगा अ गोलकनाथ बनाम पंजाब राज। अगला सवाल 13 नंबर, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर होगा अ व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित एवं संशोधित किसी भी विधि को उच्चतम न्यायालय संविधान के अधिकारी होने के रूप में घोषित कर सकता है। अगला सवाल 14 नंबर, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ब अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। अगला सवाल 14 नंबर, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ब अनुच्छेद 13। अगला सवाल 15 नंबर, किस वाद में यह अभी निर्धारित किया गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत दैनिक वेतन के आधार पर नियोजित आकस्मिक कर्मकारों को भी लागू होता है, तो इसका सही उत्तर होगा द धीरेन्द्र चमोली बनाम उत्तर प्रदेश। अगला सवाल 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा ब छद्म विधायन का सिद्धांत। अगला सवाल 17 नंबर, कथन जो प्रत्यक्षता नहीं किया जा सकता वह अप्रत्यक्ष भी नहीं किया जा सकता किस सिद्धांत से संबंधित, तो इसका सही उत्तर है स आभासी विधायन का सिद्धांत। अगला सवाल 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 13(2) में वर्णित विधि पद में सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा 10 संविधान का संशोधन। अगला सवाल 19 नंबर, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ब तत्व और सार का सिद्धांत। अगला सवाल 20 नंबर, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान करता है, तो इसका सही उत्तर होगा अ अनुच्छेद 13। अगला सवाल 21 नंबर, भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत निम्न संविधान से लिया गया, तो इसका सही उत्तर होगा स USA के। अगला सवाल 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाद पृथक्करणीयता के सिद्धांत से संबंधित, तो इसका सही उत्तर होगा स रोमेश थापर बनाम मद्रास राज। अगला सवाल 23 नंबर, अक्ष गदन का सिद्धांत किस अनुच्छेद में निहित है, तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 13। अगला सवाल 24 नंबर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई, तो इसका सही उत्तर होगा ब जापान से। अगला सवाल 25 नंबर, सही उत्तर बताइए, यानी अधिष्ठ जन करना अनुज्ञेय है, तो इसका सही उत्तर होगा ब किसी भी मूल अधिकार का नहीं। अगला सवाल 26 नंबर, संविधान के प्रथम बार भविष्य लक्ष्मी विनिर्णय का सिद्धांत निम्न वाद में लागू किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा ब गोलकनाथ बनाम पंजाब राज। अगला सवाल 27 नंबर,
न्यायिक पुनर्वलोकन संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका सही उत्तर होगा स अनुच्छेद 13। अगला सवाल 28 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में दिए गए अर्थ के अनुसार निम्न से क्या कानून नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ब सरकारी परिपत्र। अगला सवाल 29 नंबर, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह विनिश्चय किया कि मूल अधिकारों को त्यागा नहीं जा सकता? तो इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी में, यानी पहला है बेहराम खुर्शीद पेशिकाका बनाम बॉम्बे राज में भी कहा, और दूसरा है विशेषरनाथ बनाम आयकर आयुक्त में भी कहा, और तीसरा है ओलेंगा तेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी ये बात कहा। अगला सवाल 30 नंबर, मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पकरणीय करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाए? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 13 के। अगला सवाल 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाद आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित? तो इसका सही उत्तर होगा अ भिकाजी बनाम मध्य प्रदेश। अगला सवाल 32 नंबर, एक पंथ निरपेक्ष राज्य? तो इसका सही उत्तर होगा द धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। अगला सवाल 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मामला पृथक्करण के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा स मिनवा मींस बनाम भारत से। अगला सवाल 34 नंबर, भारत के संविधान विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 कहां से लिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा और ब्रिटेन का संविधान से लिया गया। अगला सवाल 35 नंबर, भारतीय संविधान में विधि के शासन का प्रधान मुक्ता निम्नलिखित अनुच्छेद में किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 14। अगला सवाल 36 नंबर, अनुच्छेद 14 में वाक्यांश विधियों के समान संरक्षण को लिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका संविधान से। अगला सवाल 37 नंबर, उच्चतम न्यायालय विधि के शासन का संरक्षण, उच्चतम न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा द विजय कुमार मोहंती बनाम जाई के वाद में। अगला सवाल 38 नंबर, अग्रनयन का नियम किस वाद में अधिकारित घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा और देवदासन बनाम भारत। अगला सवाल 39, उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का वाद निम्न में से कौन से अधिकार से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है बस शिक्षा का अधिकार। अगला सवाल 40 नंबर, राज्य से अनुदान प्राप्त कर रही एक अल्पमत की शैक्षिक संस्था प्रवेश के मामले में निम्नलिखित कर सकते? तो इसका सही उत्तर होगा अपने समुदाय के अभ्यर्थियों के लिए 50% स्थान आरक्षित कर दे। अगला सवाल 41 नंबर, उच्चतम न्यायालय ने लोकहित के मुकदमे के लिए अधिकारिता का आधार पाया? तो इसका सही उत्तर होगा स अनुच्छेद 32 के 1। अगला सवाल 42 नंबर, मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ में अभी कथित किया गया कि? तो इसका सही उत्तर होगा स, अ और ब दोनों सही है, यानी अ में कहा कि अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की सीमित शक्ति को पुष्ट करता है और संसद इस शक्ति के अधीन इस सीमित शक्ति को निरपेक्ष शक्ति में नहीं बदल सकता है, और ब में कहा संसद के संशोधन की शक्ति जिसमें संवैधानिक संशोधन भी सम्मिलित है न्यायिक पुनर्वलोकन के दायरे से बाहर नहीं। अगला सवाल 43 नंबर, जनहितवाद की अवधारणा निम्नलिखित किस देश से उत्पन्न हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ब यूएसए। अगला सवाल 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर होगा स, यानी परमादेश की रिश, तो इसका है लोक सेवकों के विरुद्ध जारी की जाए। अगला सवाल है 45 नंबर, जनहितवाद को निम्नलिखित में से किस न्यायालय में दाखिल किया जाए? तो इसका सही उत्तर होगा ब उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही जनहित याचिका दायर किया जा सकता। अगला सवाल 46 नंबर, अदालतों में बड़ी संख्या में लोकहित मुकदमे की बाढ़ आ गई, इसलिए अदालतों को चाहिए कि निराशाजनक याचिकाओं को फिल्टर करें और उनको लागत के साथ खारिज करो। निम्नलिखित में से किस निर्णय में यह कहा गया? तो इसका सही उत्तर होगा स, ओलिकाउ फिक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम प्रेमचंद मिश्रा के वाद में। अगला सवाल 47 नंबर, उच्चतम न्यायालय मूलभूत अधिकारों के अनुपालन के लिए कितनी रिट याचिका जारी कर सकता? तो इसका सही उत्तर होगा स, 5 तरह के रिट याचिका जारी किया जा सकता है। अगला सवाल 48 नंबर, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अधिकार परीक्षा लेख जारी कर लोक पर धारक को पद छोड़ देने की निर्देशित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा द यूएन राव बनाम इंदिरा गांधी। अगला सवाल 49, अधिकार परीक्षा लेख जारी की जाती है? तो इसका सही उत्तर है और किसी लोक पद को हड़पने वाले के विरुद्ध। अगला सवाल 50 नंबर, पीआईएल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा न्यायाधीश भगवती। अगला सवाल 51 नंबर, मूल अधिकारों के हनन होने पर प्रभावित व्यक्ति रिट याचिका प्रस्तुत कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है स, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अगला सवाल 52 नंबर, परमादेश, यानी इसका सही उत्तर होगा सार्वजनिक प्रकृति के कर्तव्यों के निष्पादन को बात करने के लिए जारी किया जाता है। अगला सवाल 53 नंबर, उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी लोकपद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति निरस्त करने निम्न रिट जारी किया जा सकता है? इसका सही उत्तर होगा द अधिकार परीक्षा। अगला सवाल 54 नंबर, निम्न में से कौन सी याचिका आपकी आधिकारिकता को जानने का शाब्दिक अर्थ रखती है? इसका सही उत्तर होगा द अधिकार परीक्षा। अगला सवाल 55 नंबर, बंदी प्रत्यक्षकरण की याचिका का अर्थ,
इसका सही उत्तर है आप किसी अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर। अगला सवाल 56 नंबर, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट द्वारा लोक पदाधिकारी या शासन को असंवैधानिक विधि को प्रवृत्त न करने के लिए किस रीट के द्वारा निर्देशित किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर है स आदेशात्मक। अगला सवाल 57 नंबर, इनमें से कौन सी रीट न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है, इसका सही उत्तर होगा स उत्प्रेषण। अगला सवाल 58 नंबर, निम्नलिखित रीटों में से कौन सी केवल न्यायिक एवं न्यायिक कल्प प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी की जा सके, तो उसका सही उत्तर होगा स उत्प्रेषण। अगला सवाल 15 है, अधिकारिता संबंधित त्रुटियों को ठीक करने के लिए जो रूट जाएगी वह है, तो इसका सही उत्तर है अउत्प्रेषण। अगला सवाल 60 नंबर, किन रीटों में निरसंगिक न्याय की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, तो इसका सही उत्तर है स परमादेश। अगला सवाल 61 नंबर, एक उपभोक्ता को लोक उपकरण के एकाधिकार से उत्पन्न शोषण के विरुद्ध, तो इसका सही उत्तर होगा स लोकहित वाद अंतर्गत उपचार। अगला सवाल 62 नंबर, उत्प्रेषण रीट किसी न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक निकाय जारी नहीं की जाती है यदि, इसका सही उत्तर होगा द न्याय की कोई विफलता नहीं हुई। अगला सवाल 63 नंबर, प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंधित विधि, इसमें प्रशासनिक पर अधिकारियों के गठन शक्तियों और कर्तव्यों का उदाहरण किया जाता है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई, तो इसका सही उत्तर जैनिंग्स के अनुसार। अगला सवाल 64 नंबर, प्रशासनिक विधि वह विधि है जिसका संबंध प्रशासनिक अभिकरणों शक्तियों और प्रक्रियाओं से, जिसमें विशेषकर प्रशासनिक कार्य में न्यायिक पुनर्वलोकन विनियमित करने वाली विधि सम्मिलित, यह कथन किसके द्वारा कहे, तो इसका सही उत्तर है प्रोप्राइटर केसी डेविस के अनुसार। अगला सवाल 65 नंबर, प्रशासनिक विधि का उद्देश्य प्रशासन के, इसका सही उत्तर है अनुचित तथा अवैध कार्यों पर नियंत्रण रखना। अगला सवाल 66 नंबर, यह कथन किसका है कि प्रशासनिक विधि सार्वजनिक प्राधिकारियों के संगठन, उनके कार्य करने की विधि, उनके अधिकार तथा उन अधिकारों पर न्यायिक नियंत्रण का अध्ययन तथा विवेचन करें, तो इसका सही उत्तर प्रोप्राइटर वेड के अनुसार। अगला सवाल 67, प्रशासनिक विधि के कार्य क्षेत्र में कौन कौन सी बातें सम्मिलित है, तो इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी है, यानी अ में विभिन्न प्रशासनिक निकायों का अध्ययन, ब में प्रशासनिक अधिकरणों के न्यायिकों कृतों का अध्ययन और स में रीटों का अध्ययन। अगला सवाल 68, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत वाली व्याख्या सर्वप्रथम किस विधिवेत्ता ने दी, इसका सही उत्तर है फ्रांसीसी विधिवेत्ता मॉन्टेस्क्यू ने। अगला सवाल 69 है, कार्यपालिका की शक्ति निहित डैश, तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। अगला सवाल 70 नंबर, न्यायिक शक्ति किस में निहित होती, तो इसका सही उत्तर उच्चतम न्यायालय व उसके अधीनस्थ न्यायालय। अगला सवाल 71 नंबर, दिल्ली लॉज एक्ट का मामला संबंधित है, तो इसका सही उत्तर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से। अगला सवाल 72 नंबर, रामा जवाया कपूर बनाम पंजाब राज AIR 1955 का वाद संबंधित है, तो इसका सही उत्तर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से। अगला सवाल 73 नंबर, किसने विधि शासन की विवेचना करते हुए कहा कि इसके अंतर्गत शासक और प्रजा के बीच राज की वरीयता का सिद्धांत नहीं रहा, तो इसका सही उत्तर होगा श्री नगेंद्रनाथ बोस ने। अगला सवाल 74 नंबर, डायसी के अनुसार विधि शासन की संकल्पना में तीन बातें सन्निहित, क्या यह विकल्प सही है, तो इसका सही उत्तर है द उपयुक्त सभी है, यानी विधि की सर्वोच्चता, दूसरा है विधि के समक्ष समता और तीसरा है विधिक भावना की प्रबल। अगला सवाल 75 नंबर, एके क्रेपक बनाम भारत 1970 का वाद किससे संबंधित, तो इसका सही उत्तर अविधि का शासन। अगला सवाल 76 नंबर, शीला वारसे बनाम महाराष्ट्र 1983 का वाद संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा सर विधि का शासन। अगला सवाल 77 नंबर, इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण AIR 1975 का संबंध है, तो इसका सही उत्तर है विधि का शासन। अगला सवाल 78 नंबर, किस वाद ने उच्चतम न्यायालय में विचार व्यक्त करते हुए कहा विधि शासन का सार यह है कि राज के अंतर्गत प्रत्येक अधिकारी जिसमें सरकार भी शामिल है अपने को विधिवत समझे तथा कानून का पालन करे, तो इसका सही उत्तर होगा द बिहार राज बनाम सोनावती कुमारी। अगला सवाल 79, आधुनिक फ्रांसीसी ड्राइट एडमिनिस्ट्रेशन की उत्पत्ति किसके द्वारा प्रारंभ की गई, तो इसका सही उत्तर नेपोलियन द्वारा। अगला सवाल 80, फ्रांस की इस न्याय प्रशासन प्रणाली सब मामले जो प्रशासन से संबंधित होते हैं प्रशासनिक न्यायालयों की अधिकारिता में आते हैं, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा वह काउंसिल डी एटा। अगला सवाल 81 नंबर, ब्राउल्स बनाम दी बैंक ऑफ इंग्लैंड 1913 का वाद संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा स शुष्क प्रशासन। अगला सवाल 82, विधायिका स्वयं कानून निर्माण न करके अपना अधिकार अन्य किसी संस्था अथवा प्राधिकारी को सौंप दे से क्या था, तो इसका सही उत्तर है प्रत्यायोजित विधायन से। अगला सवाल 83, किसके द्वारा यह परिभाषित किया गया विधान सर्वोच्च अथवा अधीनस्थ, सर्वोच्च विधान की उत्पत्ति राज्य की सर्वोच्च सत्ता से, कोई भी विधायी शक्ति उसको निश्चित शून्य या नियंत्रित नहीं कर सकते, अधीनस्थ विधान सर्वोच्च सत्ता के अतिरिक्त किसी भी अन्य शक्ति से उत्पन्न होता है, इसको अपने
अस्तित्व अथवा वैधता के लिए किसी अन्य सर्वोत्तम या वरिष्ठ शक्ति पर निर्भर रहना। तो इसका सही उत्तर होगा बहुत सामान्य। अगला सवाल 84 नंबर, किस विधि शास्त्री ने अपनी पुस्तक में कहा कि बिना विधायी क्रिया के कोई विधि नहीं हो सकती। तो इसका सही उत्तर है सअष्टी। अगला सवाल 85 नंबर, राज नारायण सिंह बनाम चेयरमैन पटना प्रशासन समिति 1954 SC का वाद संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है अप्रत्यायोजित विधान से। अगला सवाल 86, किन मामलों में अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने कहा कि विधानमंडल विधि बनाने की शक्ति का प्रतियोजन नहीं कर सकता किंतु यह किसी शक्ति का प्रतियोजन करने के लिए विधि बना सकता। तो इसका सही उत्तर होगा फील्ड बनाम क्लास 143 USA 649। अगला सवाल 87 नंबर, प्रतियोजित विधान के निम्नलिखित क्या लाभ है। तो इसका सही उत्तर है द उपसभी, यानी सबसे पहला आ में है समय की आवश्यकता, ब में विषय वस्तु की तकनीकी, और स है स्थानीय। अगला सवाल 88 नंबर, प्रतियोजित विधान के निम्न कौन कौन से लाभ है। तो इसका सही उत्तर है स उपयुक्त दोनों, यानी अ में है विवेकीय विषय और ब में है लचीलेपन की आवश्यकता। अगला सवाल 89, नरेंद्र कुमार बनाम भारत संघ का वाद किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ब प्रत्योजित विधान के संसदीय नियंत्रण से। अगला सवाल 90 नंबर, ऐसी कौन सी शक्ति है जो विधायिका द्वारा प्रत्योजित नहीं की जा सकती। तो इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी है, यानी अ में दंड विधि, ब में प्रतिका, और स में भूतलक्षी प्रभाव। अगला सवाल 91 नंबर, संवैधानिक विधि का मुख्य मामलों में प्रत्योजित पर कुछ सीमाएं लगा। तो इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी है, यानी अ में न्यायालय के क्षेत्राधिकार का अपवर्जन, ब में कारारोपण, और स में धन संबंधी और वित्तीय मामले। अगला सवाल 92 नंबर, प्रवर प्राधिकारों द्वारा अपनी शक्तियों को अवर अथवा अधीनस्थ प्राधिकारियों को सौंप देने का तात्पर्य निम्न से। तो इसका सही उत्तर है ब उप प्रतियोजन से। अगला सवाल 93 नंबर, यह परिभाषा किस विधिवेत्ता द्वारा दी गई है। प्राकृतिक न्याय का नाम कुछ उन मौलिक नियमों को दिया जाता है जो किसी पर्याप्त शक्ति के पालन के लिए आवश्यक। तो इसका सही उत्तर होगा अ प्रोप्राइटर वेड के अनुसार। अगला सवाल 94 नंबर, किस मामले में न्यायालय ने धारित किया कि नैसर्गिक न्याय मानवतावादी सिद्धांत जिसका अभिप्राय विधि में निष्पक्षता निहित करना। तो इसका सही उत्तर है अ मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1979। अगला सवाल 95 नंबर, कोई भी व्यक्ति अपने मामले में स्वयं न्यायाधीश नहीं बनता का नियम है। तो इसका सही उत्तर है पक्षपात के विरुद्ध नियम। अगला सवाल 96 नंबर, दूसरे पक्ष को भी सुनो से तात्पर्य है। तो इसका सही उत्तर है सुनवाई का नियम। अगला सवाल 97 नंबर, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल बनाम घनश्याम अय्यर 1962 का वाद संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है पक्षपात के विरुद्ध नियम से। अगला सवाल 98 नंबर, दूसरे पक्ष को भी सुनो नियम के निम्नलिखित आवश्यकता। तो इसका सही उत्तर है सब उपयुक्त दोनों, यानी सूचना और बस सुनवाई। अगला सवाल 99, पक्षपात के निम्न कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो इसका सही उत्तर है द उपयुक्त सभी होते हैं, यानी अ में विषय वस्तु संबंधी अभिनति, ब है आर्थिक अभिनति, और स है व्यक्तिगत अभिनति। इस वीडियो का अंतिम सवाल नंबर 100, दूसरे पक्ष को भी सुनो सिद्धांत के कौन कौन से अपवाद। तो इसका सही उत्तर है द उपयुक्त सभी है, यानी अ में जहाँ प्राधिकारी का कार्य न्यायिक नहीं है, ब में जहाँ संबंधित अभिकरण के काम प्रशासनिक महत्व विवेकित है, और स है जहाँ शक्ति का प्रयोग अनुशासनिक है। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है आपको प्रशासनिक विधि पार्ट 1 का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, कमेंट करो और साथ में अपने दोस्तों को शेयर। और अगले पार्ट के लिए विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। बहुत जल्द अगला पार्ट आने वाला है। आपको वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।